अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब इसी हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं काफ़ी शानदार काम है। अगर आपने इसमें जाना है, अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस जाने और उसके बाद में हमें कॉन्टेक्ट करें और कौन कौन से लोग इस काम के अंदर जा सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। काम भी अच्छा है, सैलरी भी अच्छी है और पहली बार अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए काम काफ़ी शानदार है। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, आने वाले वक्त में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिले और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो ये जो काम रहेगा सऊदी अरब का है और दम्माम का काम है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है वेल्डर की। ज्यादा बंदे इसमें नहीं चाहिएंगे, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो वेल्डर में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1300 प्लस 300 यानी कि 1600 रियाल आपकी जो है वो सैलरी रहेगी। और दूसरा जो काम है वो है प्लम्बर का। इसमें भी ज्यादा बंदे की जरूरत नहीं है, कम ही बंदे चाहिएंगे, तो जितना जल्दी हो सके हमें कॉन्टेक्ट करो। इसमें भी आपकी 1300 प्लस 300 सैलरी है वो रहेगी, यानी कि 1600 रियाल आपकी सैलरी हो गई। उसके बाद में जेसीबी ऑपरेटर की जरूरत है और इसमें भी ज्यादा बंदों की जरूरत नहीं है। 2100 प्लस 300 मतलब इसमें की सैलरी हो गई 2400 रियाल, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। टर्म कंडीशन की बात करें मैं आपको बता देता हूं, कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह सारी फैसिलिटीज आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। 8 घंटे की आपकी ड्यूटी रहेगी प्लस ओवर टाइम आपको दिया जाएगा और 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ध्यान रखिएगा अगर आपने इसमें अप्लाई करना है तो इसमें फ्रेश कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, रिटर्न कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट्स में आपने देना है पासपोर्ट का फ्रंट बैक स्कैन, पासपोर्ट साइज फोटो, कॉन्टैक्ट नंबर, वैक्सीन सर्टिफिकेट और अपना CV जरूर आपने बनवाना है और वर्किंग वीडियो आपका चाहिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और CV ऐसा बनाना है अपना, अपना एड्रेस, अपना नाम और अपना क्वालिफिकेशन वगैरह उसके अंदर डलवाना, एक्सपीरियंस वगैरह और पासपोर्ट इश्यू एक्सपायरी डेट डलवानी है और आप कितने दिन से काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर डलवाइएगा CV के अंदर। फिर आप अपना डॉक्यूमेंट्स हमें एक ही PDF फाइल करके अंदर करके भेजिएगा, उसके बाद आपका काम शुरू हो जाएगा। तो काम अच्छा है, आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस तरीके से कोई भी इन फ्यूचर अपडेट आएगा तो हम आप तक शेयर कर देंगे, आप हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। अब बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं एक तरीके के, डायरेक्टली वो हमें अपना डॉक्यूमेंट भेजते हैं और कहते हैं हमारा अप्लाई कर दीजिए। तो भाइयों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने ऐसा किया, आपने डॉक्यूमेंट भेजा, अप्लाई करवा लिया और फिर बीच में आप परेशान करते हैं कि भाई आप मेरे भैया मना कर रहा, भाई जो है माँ मना कर रही है, बाप मना कर रहा है, इस तरीके से ये लोग मना कर रहे हैं या फिर मेरा पहचानने वाला जानने वाला मना कर रहा, तो ऐसी कंडीशन में फिर आपका लॉस होगा। ध्यान रखिएगा फिर कैंसिलेशन चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। तो पहले ही मशवरा कर लें अपने सारे लोगों से जो आपके जानने वाले पहचानने वाले लोग हैं और जो आपकी ज्यादा दर्दी करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब आपका काम होता तब तो नहीं बोलते, लेकिन काम होना शुरू हो जाता है तब बोलते हैं मैं ऐसा करा देता, वैसा कर देता, ये कर देता, वो कर देता, मतलब फिर तो बोलते हैं आपको, कई सारे ऑफर देते हैं कि मैं इतना फ्री में काम करा देता, वो सारी चीजें बोलते हैं। तो पहले आप उनसे मशवरा ले लें, फिर घर वालों से मशवरा लें, फिर हमारे पास में कॉन्टेक्ट करें, फालतू में कॉन्टेक्ट ना करें। बाद में अगर ऐसा कैंसिलेशन वगैरह पे करना पड़ेगा आपको अगर बीच में आप जो है काम रुकवाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें, ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। आप अपना फैमिली वालों का लेकिन टेक केयर, बाय बाय।